झलक दिखलाता सीजन 10 ने पूरी कोशिश की राघव जाल को लाने की, लेकिन राघव भाई डांस प्लस में नहीं जा पा रहे, तो झलक दिखलाता सीजन 10 में कहां से जाएंगे, इतनी सारी मूवीज एंड भाई कंप्लीट बिजी है ये आदमी। लेकिन भैया झलक को तो चाहिए ही चाहिए, उनको तो टीआरपी एट एनी कॉस्ट चाहिए, जिसको लेकर भाई काफी कुछ हुआ, क्योंकि राघव के साथ ना सिमी को प्लान कर दे, सिमी कंटेस्टेंट होती, राघव उसके मेंटर होते, एंड सिमी राघव भाई इंटरनेट पे तबाही मचा रहे हैं ये दो नाम, और भाई टीवी पर भी लोग इनको साथ देखना चाहते हैं, इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड व्हेन देयर इज अ राघव ऑन स्टेज, उसके हाथ में माइक है या फिर डांस कर रहा है, साथ में लड़की है, तो भैया एंटरटेनमेंट का डोज पूरा लगना ही लगना था। लेकिन अब राघव चले गए, सिमी बेचारी अकेली रह गई, और अब सिमी का साथ दे रहे हैं पुनीत पाठक, और भाई पुनीत पाठक की वाइफ भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, और उनका भी इंटरव्यू था कि लेट्स सी, अगर पुनीत इज कंफर्टेबल देन आई एम कंफर्टेबल, एंड पुनीत इज नॉट कंफर्टेबल देन आई एम ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल। मतलब कि ऐसी बीवी तो भगवान सबको दे कि पति खुश है तो मैं खुश, मैं खुश है तो पति खुश, ऐसा कुछ ऐसा करके निकल ली वो तो। बाकी मैं आपको बता दूँ, सिमी इज़ अ ग्रेट डांसर, अगर सीजन 10 में आ रही है तो बाकी लोगों को डरना चाहिए। एंड पुनीत को मैं आपको बता देता हूँ भाई, अकेला आदमी बहुत तगड़ा डांस करता है, और गलती से तुम इसको लड़की दे दो ना तो ये पानी में आग लगा सकता है, और ये चीज़ हमने बहुत बार देखी है शक्ति के साथ डांस करते हुए, ग्रेट परफॉर्मर यार। और पुनीत और सिमी अगर एक साथ हैं तो भैया 1-2-3 तो ऐसे एपिसोड्स आएंगे जहां पर घर वालों के साथ देखना बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा, तो छुप छुपा के देखना पड़ेगा। बाकी जजेस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जजेस में आपको एक धर्मेश सर मिलेंगे, वो बिल्कुल फाइनल हो चुके हैं, एंड दिस विल बी द फर्स्ट टाइम वो धर्मेश सर कि वो झलक जज करेंगे, क्योंकि भाई झलक में तो सारे ही सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे आम आदमी आ रहे हैं ऑडिशन के लिए, भैया सारे के सारे सेलिब्रिटी, और उनको जज करना इज अ बिग डील। एंड नाउ वी कैन से धर्मेश इज द वन आर्टिस्ट जो कि एक डांस रियलिटी शो से आया किसी शो के अंदर, एंड उसके बाद उन्होंने हर इंडिया का एक एक डांस रियलिटी शो जज कर दिया जो कि बड़े लेवल पर बन रहे हैं, सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप धर्मेश के फैन हो तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि पुनीत और सिमी की जोड़ी आपके लिए कितनी एक्साइटिंग होने वाली है, और आप कितने एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर। बाकी मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नई न्यूज़, नई अपडेट्स, नई खबरों के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।